अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है गैविस्कान सिरप। तो व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले जिस व्यूअर ने हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस व्यूअर तक पहले पहुँच सके। तो व्यूअर, वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको इस सिरप की मुकम्मल डिटेल के बारे में पता चल सके। तो जी पर गैविस्कान सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिनका मैदा जो है वो खाना हजम नहीं कर पाता, या फिर उनके मैदे में बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो गए, दर्द की वजह से वो रोते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं जो कि उनको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, उनका मैदा वैसे का वैसे ही डिस्टर्ब है। तो आप एक दफ़ा मेरी मान के आप एक दफ़ा गैविस्कान सिरप का इस्तेमाल करें, आपकी मैदे की जो तमाम प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो व्यूअर, इसके अंदर सबसे पहले पीपरमेंट पाया जाता है। पीपरमेंट कहते हैं काली मिर्च को, जो कि खास तौर पे आप काफ़ी सारे हकीमों के पास जाएं या फिर डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी आपको पीपरमेंट सिरप लिख के देते हैं। पीपरमेंट सिरप होता है एक, तो वो लिख के देते हैं, वो भी मैदे के लिए ही होता है। अगर आपके मैदे में जलन होती है, खाना खाने के बाद आपको जलन महसूस होती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस सूरत में भी आप गैविस्कान सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काली मिर्च से तैयार किया जाता है। काली मिर्च जो होती है वो मैदे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैदे में दर्द हो, मैदे में जलन हो रही हो, या फिर आपको खट्टी डकारें आती है, जैसा कि आपका मतली होती है, आपका दिल करता है खाना खाने के बाद, आपका दिल करता है कि उल्टी आ जाएगी लेकिन आपको उल्टी नहीं आती, तो उस सूरत में आपका मैदा डिस्टर्ब होता है या फिर मैदे में हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं कि मैदे में हीट हो जाती है, तो उस वजह से मुँह में जो है वो छाले पड़ जाते हैं। तो उस सूरत में आपने कौन सा सिरप इस्तेमाल करना है? सिर्फ और सिर्फ गैविस्कान लिक्विड सिरप इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता सिरप है और इसके फ़ायदे, हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 130 रुपए में हमें यह सिरप मिल जाता है। तो अगर हम इसके खुराक की बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो बच्चे हैं मतलब कि 15-16 साल के हैं, उन्होंने एक चाय का चम्मच जो है दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले, आप शाम का खाना खाएं तो भी पहले इस्तेमाल करें, अगर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो उससे भी पहले आपने इस्तेमाल करें। और जो बड़े हैं उन्होंने 2 चाय के चम्मच जो है सुबह और 2 चाय के चम्मच शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल। अगर आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जलन नहीं होगी और आपका मैदा बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो गैविस्कान सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।